Welcome to all of you. This is fifth video related to class 11th entrepreneurship subject, chapter number 3, that is entrepreneurial journey. So student, in the previous video we have learned about business ideas, feasibility study and business plan. Student, these topics are very important from exam point of view or for further studies. So first revise these topics, then after we will move on the next topic of this chapter. So student, first of all we revise what is feasibility study. So what is feasibility study? We see it here. Feasibility study can be defined as a control process for identifying problems and opportunities, determining objectives, describing situations, defining successful outcomes, and assessing the range of cost and benefit associated with several alternatives for solving a problem. This is the definition of feasibility study. इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे जो business के जो opportunities है, objectives है, उनको determine करते हैं, situation है, पर्टिकुलर सिचुएशन क्या है उसको डिस्क्राइब करते हैं. देन आफ्टर हम जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो हमारे पास ऑप्शंस है, उन ऑप्शंस के बीच में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं. एंड देन विद द हेल्प ऑफ दीज कंपैरिजन वी कैन फाइनलाइज अवर प्रोडक्ट और वी कैन सॉल्व अवर प्रॉब्लम. इज इट क्लियर? सो दिस इज फीजिबिलिटी स्टडी डेफिनेशन. वी हैव ऑलरेडी नो इट दैट देर आर फोर टाइप ऑफ फीजिबिलिटी. First one is market feasibility. Market feasibility initiating includes a description of the industry, current market, anticipated future market potential, competition, sales projection, potential buyers, etc. So basically यहाँ पे हम जो market feasibility से समझ रहे हैं, तो हम जो भी market से related उस project से या उस business product से related जो भी information है, हम वो market से related informations के बारे में यहाँ पे anticipate करेंगे, idea लेके आएंगे. Technical feasibility नाम क्या है, technical feasibility that is related to technicals. तो यहाँ पे हम जो देखेंगे, जो हमारे ऑप्शंस है, दो या दो से ज्यादा जो बिजनेस ऑप्शंस है जो हमारे माइंड में आ रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड हम टेक्निकल फिजिबिलिटी असेस करेंगे. क्या क्या चीजें चेक करेंगे हम? डिटेल्स, हाउ यू विल डिलीवर ए प्रोडक्ट और सर्विसेज, मटेरियल क्या होंगे, लेबर क्या होंगी हमारी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, वेयर योर बिजनेस विल बी लोकेटेड, टेक्नोलॉजी नीडेड एक्सेट्रा वी हैव discussed in technical feasibility. Next one is financial feasibility. Financial is related to money. तो इसके अंदर हम क्या estimation करेंगे, जो हमारे multiple options है उसके बीच में हम how much startup capital is needed, sources of capital हम fund arrange करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, return on investment हम जितना invest करेंगे उस पर हमको return कितना मिलेगा, that has been decided in financial feasibility study. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी. इट्स रिलेटेड टू कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, उस जो बिजनेस का स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड है. तो डिफाइन द लीगल एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस मे ऑल्सो इंक्लूड प्रोफेशनल बैकग्राउंड, इंफॉर्मेशन अबाउट द फाउंडर्स एंड व्हाट स्किल्स दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द बिजनेस. अब हम देख रहे हैं ए गुड आउटलाइन फॉर फिजिबिलिटी स्टडी इंक्लूड. दैट मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब ये सारी चीजें हम फिजिबिलिटी स्टडी में इंक्लूड कर सकते हैं. अब आपने जो बिजनेस प्लान के बारे में भी स्टडी कर लिया है, फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में भी स्टडी कर लिया है, हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस के बारे में भी स्टडी किया है, तो हमें पता है कि हमारी फिजिबिलिटी स्टडी बिजनेस प्लान में भी क्या हो सकती है, हेल्पफुल है. हम उस हमारी फिजिबिलिटी स्टडी को बिजनेस प्लान में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो एक गुड आउटलाइन ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी इंक्लूड
क्या क्या चीजें हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी, इंट्रोडक्शन, हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या होंगे, हम टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करेंगे, हमारे बिजनेस से रिलेटेड, हमारे बिजनेस का जो मार्केट एनवायरनमेंट है उसके बारे में, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, बिजनेस मॉडल क्या है, मार्केट एंड सेल्स स्ट्रेटजीज क्या होंगी हमारे बिजनेस की, प्रोडक्शन ऑपरेशन रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मैनेजमेंट एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। उसके अलावा हम देखेंगे रेगुलेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज क्या क्या हैं, क्रिटिकल रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल प्रेडिक्शन इंक्लूड बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो हम ये जो हमारे ऑप्शंस हैं जिनके बीच में हमें फाइनल करना है कि हम इस ये हम बिजनेस हमारा लिए क्या रहेगा, सुटेबल रहेगा, तो हम ये सब जो हमारे ऑप्शंस है उन सबके लिए हम ये सब चीजें क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, एंड देन आफ्टर हम इनका डिटेल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि जो हमारे लिए सबसे मोस्ट कन्वीनियंट है वो हम बिजनेस फाइनल कर देंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी असेसमेंट। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी असेसमेंट? तो ये हमने वहाँ पे जब बिजनेस प्लान वगैरह जब स्टडी किया था तब वहाँ पे हमने नहीं देखी थी, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं व्हाट इज अपॉर्चुनिटी असेसमेंट। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी इंक्लूड मार्केट रिसर्च एंड ड्यू डिलीजेंस दैट इंक्लूड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एनालिसिस, अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट टाइमिंग, लीगल लायबिलिटी इश्यूज, एप्लीकेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी, बैरियर टू एंट्री, इंडस्ट्री ट्रेन, ग्रोथ पोटेंशियल, मार्केट पोजिशनिंग, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन एंड प्राइसिंग, रिसोर्स रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड लाइसेंसिंग एक्सेट्रा। तो ये सब हमें अपॉर्चुनिटी, ये हमारे लिए बिजनेस जो हमारे सिचुएशन है वो हमारे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है क्या, हम इस चीज को हमारे बिजनेस में यूज कर सकते हैं क्या, हमारे बिजनेस में लेके आ सकते हैं क्या, या ऐसी जो चीज है इससे हम हमारा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं क्या इस प्रोडक्ट के साथ, ये सर्विस के साथ। तो ये सब हमें डिसाइड करने के लिए हमें ये जो अपॉर्चुनिटी असेसमेंट, ये सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ेगी, असेस करनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान क्या है? इट इज अ रिटन समरी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन स्टार्टिंग ए न्यू एंटरप्राइज of how the business will organize its resources to meet its goals and how it will measure progress. This is business plan. हमने various elements है business plan, उसके बारे में study की, and जो next है importance of business plan. तो यहाँ पे हमने importance जो business plan की study करी है, provide a blueprint of action to be taken in future. ब्लूप्रिंट है जो हम एक्शंस लेते हैं फ्यूचर में, गाइडलाइंस गाइड द एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमने ऑलरेडी हमारे बिजनेस प्लान में मेंशन कर रखा है कि हम ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें चाहिएंगे और हम इसको कहाँ कहाँ से रेज करेंगे। नेक्स्ट, सर्व एज ए गाइड टू ऑर्गेनाइज एंड डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस वेंचर। नेक्स्ट वन इज हेल्प इन मेजरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द वेंचर एट सक्सेसिव स्टेजेस। नेक्स्ट है हेल्प इन मेजरिंग कम्युनिकेट इन्वेस्टर्स लैंडर्स सप्लायर्स द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। दीज आर ऑल इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लान एंड देन आफ्टर दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लान। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन फीजिबिलिटी स्टडी एंड बिजनेस प्लान। Now, student, we are moving the next topic of this chapter, that is role of women, role of society and family in the growth of an entrepreneur. Role of society and family in the growth of an entrepreneur. किस तरीके से फैमिली है जो एक एंटरप्रेन्योर की ग्रोथ में किस तरीके से हेल्पफुल है, हम यहाँ पे इसके बारे में रीड करेंगे।
रोल ऑफ सोसाइटी एंड फैमिली इन द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर, दैट मीन्स कुछ फैमिलीज है वो एंटरप्रेन्योर्स को प्रेफर नहीं करती है, कुछ फैमिलीज चाहती है कि उनके जो बच्चे हैं वो प्रोफेशनल जैसे एक डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट उस तरीके से बने, और कुछ फैमिलीज अभी तक ये ट्रेंड डेवलप नहीं हुआ है कि फैमिलीज जो अपने चिल्ड्रंस है उसको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रिपेयर करे। तो यहाँ पे इसके बारे में बता रहे हैं, रोल ऑफ सोसाइटी एंड फैमिली इन द ग्रोथ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, द इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ व्हाट हिज हर फैमिली एंड फ्रेंड्स थिंक और ओपाइन अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप हैज ए क्रूशियल रोल टू प्ले, बिसाइड द व्यू ऑफ द फैमिली देयर सपोर्ट एंड द सोसाइटी विद रिगार्ड टू फेलियर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्लेइंग अपॉन द यंग माइंड्स एंड फ्रेमिंग देयर ओपिनियन। Family support is very essential because in most cases the youth would need to borrow initial finances from the family and friends. तो यहाँ पे फैमिली सपोर्ट बताया कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके लिए या एक बिजनेस है तो डेफिनेटली फैमिली सपोर्ट हमें चाहिए होता है, क्योंकि हम विदाउट फैमिली सपोर्ट एक बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। रीज़न ये होता है कि पूरा का पूरा जो बिजनेस है अकेले मैनेज नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ होती है कि जो हमें फंड चाहिए होता है तो इनिशियल फंड हमारी फैमिली हमें प्रोवाइड करती है। द फैमिली एटीट्यूड टूवर्ड्स द एजुकेशन एंड अदर कैरियर्स इन द फील्ड लाइक मेडिसिन, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा आर सो likely to dominate the youth mindset towards entrepreneurship. It is quite likely that the families will be ready to take loan and fund the youth professional education rather than funding a new business venture where risk is involved. तो ये यहाँ पे बताया गया है कि जो families है general ये होता है कि यदि higher studies, professional studies के लिए loan चाहिए तो वो easily ले लेते हैं, लेकिन यदि सपोज कीजिए एक बिजनेस वेंचर वो स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है तो उन्हें डेफिनेटली डर लगता है कि वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, हम जो फंड पर्टिकुलर पर्सन को दे रहे हैं तो वो हो सकता है हमारे लॉस में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है हमें वापस रिटर्न ना मिले, तो डेफिनेटली एक डर हमेशा माइंड में रहता है। Surprisingly but true is the fact that the society views about business entrepreneur as a prospective bridegroom can also become a deciding factor promoting or inhibiting entrepreneurship. In some societies, people prefer to marry their daughters to the person holding government jobs, thinking that the jobs are secure and permanent as compared to a self-employed individuals. Normally, professionals like lawyers, doctors, and scientists are seen to be the most preferred as bridegrooms. These factors are relevant in terms of shaping entrepreneurship in the society. ये एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया है सोसाइटी का कि लोग जो एजुकेटेड हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको ज़्यादा प्रायोरिटीज देते हैं इन कंपैरिजन टू द बिजनेसमैन, क्योंकि उन्हें पता है बिजनेस के साथ में रिस्क फैक्टर हमेशा इन्वॉल्व होता है। आपने आसपास में भी देखते हैं कुछ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं बहुत उन्होंने सक्सेस अचीव करते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसे होते हैं जो कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेकिन वो उसको लॉन्ग रन में कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हर पर्सन का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, और एक एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए डेफिनेटली एक सपोर्टिव फैमिली बैकग्राउंड चाहिए होता है। अब यहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स नीड टू ओवरकम चैलेंजेस, ये एक जनरल माइंडसेट की बात हो रही है। अब यहाँ पे वुमेन है एंटरप्रेन्योर्स है नीड ओवरकम चैलेंजेस, तो उन्हें यदि एक कोई वुमेन है उसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। रीजन क्या है ये हम यहाँ पे देखते हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फेस ए सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंटरप्राइज फंक्शन, बीइंग ए वुमेन इटसेल्फ पॉजेस वेरियस प्रॉब्लम्स टू ए फीमेल एंटरप्रेन्योर, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन वुमेन पर्टेन्स ऑफ हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स फैमिली सोसाइटी एंड ह्यूज वर्कलोड, वुमेन इन रूरल एरियाज हैव टू सफर स्टिल फर्दर, दे फेस tough resistance from men, that means जो उनके husband बोल सकते हैं, father बोल सकते हैं, उनके brother बोल सकते हैं, तो वो basically उन्हें resist करते हैं, उस चीज़ के oppose होते हैं कि मतलब आप ये business start ना करें, तो they are considered as helpers
the attitude of the society towards them and concentrate in which they have to live and work are not very conducive. The following are some of the limitations faced by women entrepreneurs. That means जो women entrepreneurs है वो business में आती हैं या जो business के साथ आती है तो उन्हें बहुत सारी problems को face करना पड़ता है. तो कुछ problems यहाँ पे given है, ये आपको learn भी करना है ताकि आप exams के लिए prepare कर पाएं. और दूसरी चीज, आपको इन सब के बारे में idea हो कि किस type की प्रॉब्लम्स है जो वुमेन को फेस करनी पड़ती है. फर्स्ट वन इज पैट्रियार्कल सोसाइटी. पैट्रियार्क का मीनिंग होता है हमारी जो सोसाइटी है वो बेसिकली रूल्ड बाय मैन. उसको ये माना जाता है कि इसको जो हमारी सोसाइटी है उसको जो या फैमिली को जो चला रहा है वो मैन चला रहा है. तो ये मेंटेलिटी है लोगों की. तो फर्स्ट वन है पैट्रियार्कल सोसाइटी. तो यहाँ पे है द जेंडर बायस that exists in societies predominantly due to the patriarchal attitude that has existed over a long period of time. तो जो एक male dominance attitude है वो हमारी society में बहुत लंबे time से चला आ रहा है. तो इसके कारण भी जो female entrepreneurs है उनको बहुत सारी problems face करनी पड़ती है. Next है lack of opportunities. As in some area, education still has not reached to every female. The lack of education does stand as a barrier. They are no doubt skilled, which enables them to work, but more focused program for their education would enable them to overcome this challenge. तो जो opportunities है education से related है या other courses से related है तो वो opportunities उनको नहीं अवेलेबल है. तो उसके कारण क्या है, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. इन द वर्ड्स ऑफ गांधी जी, वुमेन इज द कंपेनियन ऑफ मैन गिफ्टेड विद इक्वल मेंटल कैपेसिटी. ये गांधी जी की लाइनें हैं तो ये यहाँ पे बताई गई है बुक के अंदर. तो यहाँ पे जो हम सेकंड पढ़ रहे हैं, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो वुमेन को फेस करनी पड़ती है उससे रिलेटेड ही कुछ लाइन्स है. Women in the companion of men gifted with equal mental capacity. Investing in women education yields one of the highest return that women with the skills, knowledge and self-confidence required for carrying the role of better parents, workers and citizens, which are regarded as a permanent solution to a number of economic and social problems that improve the quality of life. तो उन्होंने बताया है कि यहाँ पे किस तरीके से एजुकेशन, जो वुमेन एजुकेशन प्रोवाइड करके आप किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे हेल्पफुल कर सकते हैं. तो थर्ड वन है जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है, इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज फॉर वुमेन. देर इज अ नीड टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज रिगार्डिंग न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड अदर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज. तो जब एजुकेशन हायर नहीं होती है तो उनको जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज सोशल बैरियर्स. जो हमें पता है कि यहाँ जो सोसाइटी है वो कैसी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो बहुत सारे सोशल बैरियर्स वुमेन को फेस करने पड़ते हैं. The traditions and customs prevailing in Indian society sometimes stand as an obstacle to women is it to grow in prosperity. In rural areas, they face more social barriers. They can be overcome through education and positive legislation. The government policies are and should continue in a greater measure to support women entrepreneurs. इज इट क्लियर? तो जो ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है हमारे, तो वो हमारे लिए जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनकी ग्रोथ में ऑब्स्टेकल का वर्क करते हैं. और रूरल एरियाज में तो बहुत सिचुएशन वर्स है. तो ये एजुकेशन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं इस चीज को, गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू, वेरियस इनिशिएटिव्स के थ्रू. नेक्स्ट है जो वुमेन को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, दैट इज एटीट्यूड ऑफ क्रेडिटर्स टूवर्ड्स वुमेन. जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स आर द बेसिकली पर्सन जो क्या करते हैं, बिजनेस में फंड प्रोवाइड करते हैं, तभी तो क्रेडिटर्स बनेंगे. क्रेडिटर्स मीन्स लेने वाले. तो वुमेन एंटरप्रेन्योर सफर व्हाइल रेजिंग एंड मीटिंग द फाइनेंशियल नीड ऑफ देयर बिजनेस.
the society was slightly biased in their attitude towards women entrepreneurs. That means यदि एक person से man और woman दोनों एक ही same business के लिए fund लेने के लिए खड़े हैं तो definitely they will give to male person. तो यहाँ पे बताया है बट द रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट दैट द रेट ऑफ बैड डेट्स इन लीस्ट इन केस ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन माइक्रो फाइनेंस इज द मोस्ट सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ देम. यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है बैड डेट्स. तो बैड डेट्स दैट मीन्स जो वो पैसा वो अमाउंट जो हम किसी को दे देते हैं लेकिन रिकवर नहीं कर पाते हैं तो दैट विल बिकम बैड डेट्स. सो बट द यहाँ पे बता रहे हैं कि मेंटेलिटी ये है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को देना नहीं है फंड लेकिन जो रिकॉर्ड्स है वो ये बताते हैं कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स टाइमली पे कर देती हैं और पे करने में कैपेबल हैं और लेकिन वुमेन मैन ऐसा नहीं कर पाते हैं या कम करते हैं वुमेन के कंपेरिजन में. नेक्स्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर्स. द स्किल्ड वुमेन वर्क मोर देन इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड हेंस डज नॉट गेट हर ड्यू. तो जो मोस्टली वुमेन है वो किस में वर्क करती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में. वो देर अपने ड्यूज नहीं क्लेम कर पाती. इफ शी कैन ओवरकम द चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन एंड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज she would not only able to join organized sector but a leader in it. आपको पता है कि जो jobs के लिए sectors है वो two part में divide है organized and unorganized sector. Organized sector में jobs है वो systematic manner में with proper following rules and regulation with प्रॉपर प्रोसीजर्स अवेलेबल होती है लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता है. तो जो वुमेन है अनएजुकेटेड होती है लेस एजुकेटेड होती है तो उन केस में उनको डेफिनेटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स ही ज्वाइन करना पड़ता है. तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस है जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को फेस करने पड़ते हैं. इट इज पैट्रियार्कल सोसाइटी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इनेबलिंग टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन social barriers, attitude of creditors towards women, and next is organized sector. So these are the limitations that are faced by women entrepreneurs. अब next है ray of hope. मतलब इतनी सारी जो problems women entrepreneurs को face करनी पड़ती है तो वहाँ पे बोला ray of hope. Ray of hope की means आशा की किरण. तो कहने का मतलब है इन सब के बाद में भी आप जो रिकॉर्ड्स को देखेंगे डेटा को देखेंगे तो धीरे 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 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा आ रही हैं. मतलब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स मोर एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट कर रही हैं वो आगे आ रही हैं और धीरे धीरे वो सेक्टर में भी एंटर हो रही है. In spite of all the above mentioned problems, the rate at which women entrepreneurs are growing is slowly increasing. Increasing. Read the following case study of a woman entrepreneur who has made a difference not only for herself but also the people around her. यहाँ पे केस स्टडी गिवन है. That means एक woman entrepreneur के बारे में बताया गया है. तो आपको ये केस स्टडी जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से ये सिचुएशन चेंज हो रही है. तो यहाँ पे मैं एक बार इस केस स्टडी को रीड कर रही हूँ. आप सब लोग सेल्फ रीड भी कर सकते हैं और यदि कोई भी डाउट है इस तो आप मुझसे क्वेश्चन लाइव स्ट्रीम क्लासेस में क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं. वैसे बहुत इजी है केस स्टडी है लीला बोरोदिया जयपुर ब्लू पोल्ट्री. शी सिंगल हैंडेडली बॉट she single-handedly brought prosperity and a sense of pride in craft of hundreds of villages, made their craft famous world over and built a business worth rupees 25 crore. So that means ye bola gaya ki single-handedly मतलब सारा वर्क उसने खुद ने मैनेज किया. जो क्राफ्ट के फील्ड में इसने बिजनेस है जो स्टैब्लिश किया है वो वर्थ मोर देन 25 करोड़ का है और जो मोस्टली इसके थ्रू जो विलेजर्स हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली है बहुत सारे उनको बेनिफिट मिले हैं.
Behind her work, the towering personality of Mother Teresa and her mother. तो दैट मीन्स उनका ये सब काम करने के पीछे का जो रीजन था, जो उनको इंस्पायर कर रही थी, वो पर्सनैलिटी थी मदर टेरेसा और खुद की, इनकी खुद की मदर. इट ऑलवेज अमेज लीला हाउ हर मदर जगल्ड हर वेरियस रोल्स ऑफ ए केयरिंग वाइफ, ए लविंग मदर ऑफ फोर डॉटर्स, एन एफिशिएंट हाउस होल्डर विद मैनी गेस्ट विजिटेड फ्रीक्वेंटली एंड अबव ऑल ए कंपैशनेट वॉलंटियर ऑफ मदर टेरेसाज ऑर्फनेज. तो वो बेसिकली इंस्पायर्ड थी अपनी मदर की इन सब क्वालिटीज को लेके. अकॉर्डिंग टू लीला इट वाज हर मदर हु क्रिएटेड इन हर ए डीप सेंस ऑफ कंपैशन फॉर फेलो ह्यूमन बीइंग्स एंड स्ट्रॉन्ग सोशल कॉन्शियसनेस. शी ग्रू अप इन कैलकटा एंड आफ्टर मैरिज मूव्ड इन जयपुर. आफ्टर मैरिज कहाँ शिफ्ट हो गई थी, मूव हो गई थी जयपुर में. लीला विजिटेड ए कपल ऑफ विलेजेस सराउंडिंग जयपुर. She was moved to see the artwork and hard labor that was involved in pottery and ceramic of the villages. तो जब लीला बहुत सारे जो villages में visit किए, तब उसने देखा कि जो labor है, जो pottery works कर रहे हैं, ceramic work कर रहे हैं, वो बहुत unhygienic conditions में रह रहे हैं और जो conditions है वो बहुत extremely poor है. तो जैसा ऐसा होता है ना कि ऐसी सिचुएशन देख के परेशान हो जाना. तो शी डिस्कवर्ड दैट द वंडरफुल स्किल इन एंशिएंट क्राफ्ट डाइंग अवे बिफोर हर आई एंड शी डिड नॉट नो व्हाट शी कुड डू अबाउट इट. दैट मीन्स वो जो लोग वर्क कर रहे हैं एंशिएंट क्राफ्ट से रिलेटेड, तो वो सोच रही है जब उन्होंने गांव विलेजेस में विजिट किया तो देखा कि मतलब ये जो क्राफ्ट है जो विलेजर्स कर रहे हैं, इनको एक मार्केट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है, मार्केट में सेल नहीं हो पा रहे हैं और इसके कारण ये जो लेबरर है वो बहुत पुअर कंडीशन में है. तो शी हैड नेवर थॉट ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस अलोन बिकॉज शी वांटेड टू डू समथिंग न्यू एंड कॉन्क्रीट. बट हर ग्रूमिंग हर माइंड सेट इंस्पायर्ड ऑफ मदर टेरेसा एंड हर ओन मदर वॉज येट अलाइव इन हर, शी गॉट इन्वॉल्व विद आर्टिजन्स टू सेव देयर डाइंग क्राफ्ट. तो फाइनली जो अपनी मदर और उससे मदर टेरेसा से इंस्पायर होके उन्होंने क्या कर लिया है, मतलब वो इस वर्क में इन्वॉल्व हो गई, डाइंग क्राफ्ट, जो क्राफ्ट है जो लेबर वर्क करते थे तो उससे रिलेटेड वर्क में इन्वॉल्व हो गई. शी वॉज क्विक टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम इवन थो देयर क्राफ्ट वॉज एग्जीक्यूट दे डिड नॉट हैव एनी मॉडर्न एलिमेंट सो शी सजेस्टेड सम न्यू डिजाइंस. अब जो लेबरर्स हैं उनको उन्होंने क्या सजेस्ट की, कुछ न्यू डिजाइन सजेस्ट की क्योंकि पुरानी डिजाइंस को इतनी मार्केट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही थी. The artisans were not ready to believe in her designs until finally one craftsman agreed to try making her design in a ceramic hand-painted beds. The design was a huge success and she was able to gain the confidence of other artisans as well as. एक डिजाइनर उसको सक्सेस, जो एक वर्कर है वो रेडी हुआ एंड देन आफ्टर उसके वर्क को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिला तो अदर वर्कर्स भी रेडी हो गए. एंड उसके बाद में क्या था, बस जैसे ही हुआ अब उन्होंने क्या किया, अदर वर्कर्स ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया एंड देन आफ्टर शी इज सेलिंग ऑल द एंड मार्केट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर दीज गुड्स. तो यहाँ पे शी हैड स्टार्टेड द बिजनेस वर्क विद जस्ट ₹500 एंड क्विक रोटेशन ऑफ मनी टू सेट द बिजनेस. शी डिजाइन बीट कर्टेंस which were largely accepted. तो इस तरीके से इसकी जर्नी बताइए. अब जो उन्होंने अब जो बिजनेस स्टार्ट किया उसको क्या नाम दिया, जयपुर ब्लू पॉटरी के नाम से बिजनेस स्टार्ट किया और धीरे 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 वो बिजनेस क्या करना लगा, ग्रो करने लगा. तो स्लोली एज अ कंपनी ग्रो हर हस्बैंड ज्वाइंट हैंड विद हर टू हेल्प हर इन द बिजनेस. Although married into a joint family, her mother-in-law was a huge support to her, encouraging her to keep doing the businesses. Leela was able to revive the dyeing craft as well as increase the standard of living of artisans who were associated with traditional craft. In fact, when the former US President Clinton visited Jaipur, all Jaipur blue pottery which was gifted to his mother-in-law was from Neja International. तो ये सब बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने सिचुएशंस को चेंज कर दी.
तो यहाँ पे उसी के बारे में बताया, रे ऑफ होप से रिलेटेड है कि कैसे धीरे धीरे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आ रही हैं और धीरे धीरे वो सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करने के बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही हैं, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्पफुल है. तो इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द हार्डशिप एंड सक्सेस ऑफ लीला दैट परसिस्टेंस एंड प्रिजर्वर रेंस विल डेफिनेटली ब्रिंग सक्सेस टू वुमेन. फॉर एन इंडियन वुमेन हु हैज़ टू प्ले मल्टीपल रोल्स इन हर लाइफ एंड वॉक द फाइन लाइन बिटवीन मैनेजिंग हर होम एंड द वर्क फ्रंट, एंटरप्रेन्योरशिप ऑफन द पाथ दैट गिव्स हर दिस बैलेंस. इज इट क्लियर? अब उसके बाद में 2012 में डेल ने स्टडी करी है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में. तो उनके बारे में जो डेल ने अपनी स्टडी में क्या अनाउंस किया वो हम देखते हैं. तो इससे रिलेटेड फिगर्स एग्जाम्स में एग्जाम में क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आ जाते हैं. इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू द न्यू स्टडी कमीशन बाय डेल इन जनवरी 2012, द आइडियल कंट्री टू बी वेयर ए वुमेन स्टार्टिंग ए बिजनेस इन 2012 कुड वेल इन इंडिया. एज पार्ट ऑफ द सर्वे वेन आस्क अबाउट एक्सपेक्टेशन फॉर बिजनेस ग्रोथ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया एंटिसिपेट एन एवरेज ऑफ 90% ओवर नेक्स्ट 5 years. डेल अनाउंस द फाइनल रिजल्ट इन इट्स स्टडी इन जून 2012. वाट कम आउट वाज दिस? डेल ने अपनी स्टडीज में क्या फाइंड आउट किया? दैट 71% ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया से दैट their business is very successful and 8 in 10 of them say they are hiring. जो total women entrepreneurs है उनमें से 70% women entrepreneurs है वो successful हैं, और उसके अलावा उनमें से जो total है उनमें से 8 women entrepreneurs तो क्या कर रहे हैं, other persons को hire भी कर रही हैं. नेक्स्ट इज सेकेंड, 74% ऑफ देम से देयर टेक्नोलॉजी नीड्स आर गेटिंग मोर कॉम्प्लेक्स. दैट मीन्स वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज कर रही हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए. थर्ड जो फाइंड किया आउट किया डेल ने अपनी स्टडी में, 90% स्टार्टेड देयर बिजनेस वाइल मेंटेनिंग देयर डेली जॉब, देयर डे जॉब. दैट मीन्स जो 90% वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है वो अपनी फैमिली और वर्क लाइफ दोनों दोनों को बैलेंस करके वर्क कर रही हैं और सक्सेसफुल है फिर भी. नेक्स्ट है 85% ऑफ इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बिलीव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर बिजनेस हैज ए सोशल इम्पैक्ट. टोटल जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है 85% बिलीव करती है कि जो भी उनका बिजनेस है उसका सोशल इम्पैक्ट पड़ना चाहिए. दैट मीन्स वो सोसाइटी के लिए किसी ना किसी वे में क्या होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए. तो ये यहाँ पे बताया गया है. तो दैट इज ए रे ऑफ होप. दैट मीन्स जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स धीरे 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 क्या कर रही है, ग्रो कर रही है. तो यहाँ पे हमने ओवरऑल यहाँ से क्या देखा इसके बारे में, वी कैन सी दैट देयर इज ए होप दैट वुमेन बोथ इन रूरल एज वेल एज द अर्बन सेक्टर इज श्योर टू अंडरस्टैंड देयर रोल एज एंटरप्रेन्योर्स इन देयर ओन सेल्फ डेवलपमेंट एज वेल एज हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. इज इट क्लियर कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में क्या कर रही हैं, वर्क कर रही हैं, और उससे क्या कर रही है कि सेल्फ डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, उसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए भी ये बहुत अच्छा से हेल्प कर रही है. सो दिस इज अ रे ऑफ होप रिलेटेड टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. दैट मीन्स ये पॉजिटिव सिचुएशन है, साइन है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए. सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड हेयर. चैप्टर नंबर 3, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी. इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट बिजनेस आइडियाज, मिसकंसेप्शन एंड रियलिटीज रिलेटेड टू बिजनेस आइडियाज, वे टू जनरेट बिजनेस आइडियाज, एंड देन आफ्टर इम्पोर्टेंस ऑफ इवेल्युएटिंग आइडियाज. दीज आर द टॉपिक रिलेटेड टू बिजनेस आइडिया. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव स्टडीड इज feasibility study, in which we have learned about the definition of feasibility study, types of feasibility study,
and the importance of feasibility study. Next topic is our opportunity assessment and business plan. In this, we have learned about the definition of opportunity assessment, business definition of business plan, importance of business plan, various elements of business plan. Then after process of business plan as execution, we have learned about the process of business plan execution. In this process, we have learned total 6 steps. First one is formulation of goals. Second one is evaluation of human resources. Third one is identify the key action to achieve the strategy. Fourth one is development of a budget. Next, fifth one is communication. And the last one is establish a review process. Then after, we have learned about the difference between feasibility study and business plan. And the last topic we have learned in this chapter is role of society and family in the growth of an entrepreneur, or various challenges faced by the women entrepreneurs, and the ray of hope. These are the topics that we have discussed and learned in this chapter. So student, prepare your notes, prepare your complete notes related to this chapter, and send me all the notes related to this chapter through StudyBase message app. Is it clear? And if you have any doubt related to any topic, then please ask me in live stream classes. So student, this video is over now.